हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग ही वातावरण में है। एक्चुअली एक टॉपिक मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था कि यार इस पर वीडियो बनाई दी जाए, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स और बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से मैं वो प्लान ही नहीं कर पा रहा था वीडियो। सो फाइनली आई टुक अ डिसीजन कि चलो यार इस वीडियो को कार में ही शूट की जाए। एक्चुअली आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन वन टॉपिक इज What actually matters after being chartered accountant, company secretary या फिर जो भी profession आप अभी pursue कर रहे हैं, वो खत्म होने के बाद क्या चीजें important होने वाली है आपकी life में। आप बोलोगे यार सर एक बार बन जाए उसके बाद ही बताना, क्योंकि उसके बाद ही important है ना वो। पर मेरी नज़र में ये चीज़ें अगर आप अभी से अपनी life में include करने लग जाएंगे, अभी से आप इसको अपनी life का एक part बना लेंगे, सो इट वुड बी अ चेरी ऑन द केक। और आप इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल महसूस करेंगे आफ्टर बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिर जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं। सी, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ इंजॉय करते हैं, एज अ स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइजेस और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे अपनी पढ़ाई में डिवोट करते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी बेस्ट ऑफ यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स ज़रूर इससे प्राउड होंगे, क्योंकि आप जो मेहनत सीख रहे हैं ये आपकी लाइफ बनाने वाली है। पर आफ्टर बींग चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन गए जो आप बनना चाहते थे, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आपका सामने होने वाला है। अभी थ्योरिटिकल नॉलेज में जो आपको इंस्टीट्यूट पढ़ाना चाहता है वो आपको भरपूर पढ़ा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम टैक्स, GST, ऑडिट, फाइनेंस, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट्स, सब कुछ, मैथ्स, अकाउंटेंसी, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। बट आफ्टर बींग प्रोफेशनल यू विल बी डायरेक्टली आस्क्ड, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपसे डायरेक्टली ये पूछने वाले हैं कि यार मेरा इनकम टैक्स रिटर्न इतना इतना भरा हुआ था पिछले साल, क्या तू इस साल इतना भर देगा क्या, अपने बिजनेस को कौन सा ITR फाइल करना पड़ेगा, ये मेरा GST था इतना, ये रेट बढ़ रहा है 5% से 12% हो रहा है तो हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, कॉस्ट हमारी इतनी इतनी है हमारे उसकी, और ये प्रोडक्शन है, ये सेल से ये इंडस्ट्री प्लान कर रहा हूँ, इतना फाइनेंस मिल जाएगा क्या, इतने का लोन हो पाएगा क्या, इतनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, अगर मैंने पे नहीं किया तो क्या होने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने उठकर आने वाले हैं आफ्टर बींग अ प्रोफेशनल पर्सन। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, आपकी बुक्स में जो आप पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरिटिकल चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो उसको बिजनेस से कोरिलेट करने की कोशिश करो कि यार अगर मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ पर वर्क करूंगा तो प्रैक्टिकल अगर इस चीज़ का इम्पैक्ट देखूंगा तो क्या होगा। सोचो कि जो GST आप रिटर्न पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली कैसे फाइल, जब भी टाइम मिले इनकम टैक्स की साइट पर जाओ, GST की साइट पर जाओ, जो चीज़ आपने थ्योरिटिकल पढ़ी है, जो अमेंडमेंट्स आपने देखे हैं, जो प्रोविजंस आपने पढ़े हैं, वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके देखो। कोशिश करो कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कोरिलेट हो, तभी मज़ा आने वाला है एज अ प्रोफेशनल। अब आप सब बोलोगे कि यार सर ये सब तो हम अपने आर्टिकलशिप वाले जो ऑफिस हैं, हम जब जाएंगे ट्रेनिंग करने, ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, तो अभी से क्या ज़रूरत है। सी, अभी कभी नहीं आता, तो कोशिश करो कि जितना जितना पढ़ रहे हो उतना उतना प्रैक्टिकल भी कोरिलेट करना सीखो। आर्टिकलशिप पर ऑफिस चूज़ करने वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि जो आपने सब पढ़ा है वो ही एक्चुअल लाइफ में होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जब प्रैक्टिकली आप फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, आपको तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना पड़ता है लोगों को कि हाँ यार इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है, इसका सॉल्यूशन ये होने वाला है, जबकि आपने थ्योरिटिकल वो सारी चीज़ें पढ़ ही नहीं रखी। कोशिश करिए कि आपका ब्रेन आप ओपन करें, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कोरिलेट करें। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिकमेंड एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल, दैट इज लेबर लॉ एडवाइजर, जहां पर आपको सारी प्रैक्टिकल कोरिलेटेड चीज, शेयर मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग्स कैसे की जाती है, लेबर लॉ जो अलग अलग होते हैं अपने, प्रोविडेंट फंड, ESI, इन चीज पर वर्क कैसे किया जाता है, इनकम टैक्स, PF, ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाने वाले हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार मुझे एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए जो मुझे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखा पाए, तो दे आर ऑल्सो गिविंग यू अ गुड कोर्स, जिसकी मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दैट इज ऑफ इनकम टैक्स, GST और एक्सेल, जहां पर आपको प्रैक्टिकली मदद मिलने वाली है इन सारे कोर्सेज की, कि GST रिटर्न कैसे फाइल करने चाहिए, इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनाने चाहिए, एक्सेल पर अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग कैलकुलेशंस कैसे आसानी से की जानी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो असाइनमेंट्स आज मैं करता हूं इनका उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो सीधा आपने थ्योरी सीख रखी है, हाँ ठीक है ऑडिट के प्रोविजंस होते हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस होते हैं, GST के प्रोविजंस होते हैं, फाइनेंस के अलग अलग टूल्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, ये सारी चीज़ें एक
कैलकुलेटर पर करना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए ट्राई करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो, उसको कोरिलेट करना है हमको मॉडर्न वर्ल्ड से कि एक्चुअली लाइफ में क्या चीजें होती है। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग दैट कोड, यू कैन इवन यूज माई कोड दैट इज Mohit10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और बस यही कहना चाहूंगा कि यार इस कोर्स को केवल एक थ्योरिटिकल नॉलेज या फिर केवल CA डिग्री अचीव करने के लिए या फिर एक अच्छा जॉब पाने के लिए मत दौड़ो, अच्छा नॉलेज लेने के लिए दौड़ो। बिकॉज जो आप स्कोप देखेंगे आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स वुड बी टोटली डिफरेंट, अगर शर्त है अगर आपने सारी फील्ड्स में अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है, आपको उसका थोड़ा नॉलेज है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। केवल इसलिए CA मत करो यार क्योंकि केवल मेरे को एक जॉब करना है, सैलरी अच्छा है, डिमांड अच्छा है, इसलिए नहीं करना है। इसलिए करना है क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की चॉइस हो व्हेन आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हाँ यार मुझे इस चीज पर इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज का नॉलेज है और मैं इसे एज अ प्रोफेशन ले सकता हूं। और ये चीज तभी बदलेगी जब आप प्रैक्टिकल कैपेबल बनोगे हर टॉपिक की जड़ तक जाने के। और आजकल मैं बहुत कमेंट सेक्शन में देख पाता हूँ कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेरी रेज करते हैं कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है तो हमारी CA की डिमांड ही नहीं होने वाली है। अरे यार अगर आप खुद को एक रोबोट समझते हो, अगर आप हर चीज़ को थ्योरिटिकल कोरिलेट करना समझते हो, अगर आप समझते हो कि रोबोट आपका हर काम कर लेगा तो शायद आप सही हो। पर अगर आप खुद को एज अ साउंड प्रोफेशनल समझते हो कि जो हर चीज की एडवाइस अपने ब्रेन से देता है, जो कि एक रोबोट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में भी, खुद को इतना अपडेटेड करने वाले हो कि आपकी एडवाइस एक रोबोट की एडवाइस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवाइस से बड़ी होगी, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। टिल देन आई जस्ट वॉन्ट टू से कीप लर्निंग, लर्न प्रैक्टिकली एंड हैप्पी लर्निंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक डू यू वॉन्ट कि मैं उसको इंक्लूड करूँ फ्यूचर वीडियोज में, कमेंट सेक्शन बताओ एंड लेट मी नो द व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।